बहुत ही बुरी खबर है, बहुत ही बुरी खबर। हमारा आपका एंटरटेनमेंट बैन, नहीं समझे, पाकिस्तानी चैनल्स बैन होने जा रहे हैं जो पब्लिक रिएक्शंस दिखाते थे। कुछ वक्त पहले ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इस बात की दुहाई भी दे रहे थे। पाकिस्तान में तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया जाएगा। खबर के मुताबिक पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये बिल फॉरवर्ड किया गया है कि भाई जितनी भी सोशल मीडिया एप्स हैं, चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक, बैन कर दिया जाएगा। और अब लगता है कि ऐसा हो चुका है। हमारी हुकूमत दो नंबरियां करती रहती है और कभी सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन अब पिछले कोई एक हफ्ते से उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया है कि ट्विटर, जो कि एक्स के नाम से अब जाना जाता, उसको हमने 8 फरवरी के जब इलेक्शन हुए थे तब से हमने इसको बैन किया हुआ है। लेकिन उसके बीच में इनके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर के बयान आते रहे कि नहीं नहीं ये बैन नहीं किया, ये तो सही चल रहा है, मैंने भी देखा है सही चल रहा है। लोगों ने कहा भाई आप वीपीएन लगा के। सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ का कहना है कि मनफी प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया ट्रोल्स हमारी तवज्जो मुल्क की तरक्की से नहीं हटा सकते। मुल्क की तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की कोशिशें नाकाम होंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वर मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ का कहना है खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर मनफी कुवतों को रद्द करें, तवज्जो मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर मरकूज रखें। पाक गवर्नमेंट ने एक बार फिर पाकिस्तानियों को और वहां के यूट्यूबरों के ऊपर जो है अब चाबुक चला दिया है और इन सबको कंट्रोल में कर दिया है, क्योंकि इनके अंदर बड़ा कीड़ा था कि भारत ने ये किया है, भारत ने वो किया है, और इस पर ये लोग रिएक्शन लेने निकलते थे। आप उसमें जो देखिए पिछले एक हफ्ते से जितने भी बड़े बड़े वहां के पब्लिक रिएक्शन वाले यूट्यूबर्स थे, उन्होंने प्लेटफॉर्म पर आना ही बंद कर दिया है। उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से कोई वीडियो नहीं निकाली है। अभी हाल ही में अनम शेख ऑफिशियल नाम का जो यूट्यूब चैनल था जिस पर अनम शेख काम करती थी, उन्होंने बकायदा संन्यास लेने की बात कर दी है कि अब हम इंडिया पाक कंटेंट पर जो है काम नहीं कर सकते, हम इस कंटेंट को लेकर आगे नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अब वहां की सरकार ने इस बात पर भी रोक लगा दी है कि कोई भी भारत और पाकिस्तान के कंटेंट पर काम नहीं करेगा। यानी कि यहाँ उनको लगता है कि जब इंडिया की वो लोग बात करते हैं, यानी कि इंडिया में ये है वो है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है, तो इससे पाकिस्तानी सरकार को, पाकिस्तानी अदारों को और वहां के एस्टेब्लिशमेंट को और बाकी सब जो कोई भी है वहां पर गवर्नमेंट लेवल के उन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि आखिर भारत में है और पाकिस्तान में नहीं है। इससे उनको लगता है कि उनकी बेइज्जती हो जाती है, इस बात पर उन्हें लगता है कि उनकी बेइज्जती हो रही है। अगर वहां पर कोई पूछ ले भाई आपके पास बुलेट ट्रेन क्यों नहीं है, तो इससे उनको इंसल्ट फील होती है, उससे उनको ये नहीं आता है। मतलब ये लोग तो इस कोशिश में है कि आप भारत से सीखिए। ये जो कोई भी है, जो जितने भी चैनल वाले खासकर पाकिस्तानी रिएक्शन वाले थे जो भारत को लेकर बात करते, तो इनका मकसद होता है कि वो पाकिस्तानियों को ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भारत ये कर रहा है, आप भी ये कर सकते हो। लेकिन परिणाम इसका उल्टा हो रहा है। गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लगता है कि ये लोग तो हमारी बेइज्जती करते हैं। इनको यही लगता है जैसे आप किसी गरीब को गरीब बोल दो, किसी मूर्ख को मूर्ख बोल दो, तो उसको सबसे ज्यादा उस समय बेइज्जती महसूस होता है। अगर आप किसी भी समझदार आदमी को बोलोगे तो उसको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन पाकिस्तानी अब चूंकि भीखे मांग मांग कर इनका काम चल रहा है, तो इस पर जब ये सब रिएक्शन वगैरह ये लोग देखते हैं, इनके भिखारी पकड़े जाते हैं, इनकी PIA की क्या हालात हैं, वो सब जब ये लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इससे इनको लगता है कि इनकी बेइज्जती हो रही है, यानी कि पूरे मुल्क की बेइज्जती हो रही है। ये यूट्यूबर्स मुल्क की बेइज्जती करा रहे हैं, ऐसी इनकी फीलिंग्स आ रही हैं। तो इन्होंने इंडिया पाक को उठाकर कर दिया बैन, और अब इंडिया पाक पर कोई भी वहां पर काम करता नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ एक आध चैनल बचे हुए हैं और जो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सबका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है और अब सबने इन सब इंडिया पाक पर काम करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। और आप किसी भी चैनल पर जाइए पाकिस्तानी रिएक्शन वाले, और आप देखिए कि कोई ये वीडियो नहीं डाल पा रहा है आजकल। और यही सब कारण है कि जो आज पाकिस्तान का हाल है वो इन्हीं सब चक्करों में हुआ है। जो आज इन्होंने फैसला दिया है ना, और इन्होंने जो सिस्टम बिठाया है, फायरवॉल वगैरह सिस्टम लगा दिया है कि रीच डाउन कर देंगे अगर कोई इस तरह से कंटेंट पर काम करता है, तो ये सब जो ये कर रहे हैं, तो इससे ये अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वैसे ही तुम्हारी मैसियत का क्या हाल है सभी जानते हैं, उसके बाद में आप ऐसे काम करेंगे तो बढ़िया है। वैसे ये सब होना चाहिए पाकिस्तान से, और भी उम्मीद ही कोई क्या कर सकता है। तो फिलहाल चलिए चलते हैं वीडियो की ओर, और देखते पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पहले हम ये सुनते थे कि पाकिस्तान में मेनस्ट्रीम मीडिया कंट्रोल्ड है, कोई भी खबर मेनस्ट्रीम मीडिया पे अदारों की या गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर नहीं चल सकती, लेकिन अब खबर ये आ रही है सोशल मीडिया पे ये चीजें सर्कुलेट कर रही हैं कि जैसे मेनस्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान में कंट्रोल था, वैसे ही सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की प्रॉपर तैयारी कर ली गई है। प्रॉपर ऐसा सिस्टम बना लिया गया है, जैसे फायरवॉल और बहुत से ऐसे सिस्टम बना लिए गए हैं जिससे रीच भी गिरा दी जाएगी और कोई भी खबर उनकी या मतलब गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर सोशल मीडिया पे नहीं आ सकेगी। निमरा को आपने देखा होगा,
घर से रिपोर्टिंग कर रही है, मुजम्मिल यानी कि डेली स्वेग 10 दिन से नहीं है काम पर। अनम शेख ऑफिशियल, अनम ने साफ साफ कह दिया अलविदा। अभी जुबान भी लड़खड़ा रही है ये कहते हुए कि आइंदा शायद कभी हमारा अट्रैक्शन ना हो पाए, तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, देख रहे हैं। तो बहरहाल अब इन्होंने इस बात का इकरार करना शुरू कर दिया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अमेरिका ने टिकटॉक को कहा है कि भाई या तो तुम अपने जो चाइनीज इंटरेस्ट है उनसे नाता तोड़ लो और किसी इंडिपेंडेंट पार्टी को टिकटॉक बेच दो, वरना हम आपको अमेरिका में बैन करने लगे हैं। तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो है, मुझे नाम भूल गया उनका, ख्वाजा आसिफ ने मेरा कहा, एनीवे मैं देख रहा था, मैं भूल गया आप किसने कहा। उन्होंने कहा देखें जी, जिस तरह अमेरिका टिकटॉक को बैन कर सकता है अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, तो उस तरह हम भी ट्विटर को बैन कर सकते। सोशल मीडिया भी देखने में आ रहा है बड़े हद तक जो उन सबको कंट्रोल होता नजर आ रहा है, दबाया जा रहा है, सख्ती की जा रही है, और इवन अब तो ऐसा उन्होंने सिस्टम अपना क्रिएट कर लिया कि आप रीच ही गिरा दो, आप किसी यूट्यूबर के व्यूज ही कम कर दो, रीच गिरा दो, और तो और पाकिस्तान की फर्स्ट यूट्यूब, सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान। अरे मैं भी तो यही कर रहा हूँ, तेरी तारीफ ही तो कर रहा हूँ। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर भी, सॉरी पाकिस्तान के फर्स्ट यूट्यूबर भी काफी दिनों से गायब है, 6 दिन से। ये ऐसी फॉल्स इक्विवेलेंस है कि दो चीजों को इन्होंने गड़बड़ कर दिया। एक ये कि भाई हर मुल्क जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट में चीजों को, उसके पीछे नेशनल इंटरेस्ट के पीछे कुछ असूल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक की जो जनरेशन है वेस्ट में, मैं तो बड़े अच्छे से कह रहा हूँ कि इसको बैन कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली चाइनीज और रशियन प्रोपेगेंडा इसके ऊपर किया जाता है, और जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके दिमाग वाकई पागल कर दिए, अंधाधुंध प्रोपेगेंडा, कोई उसके ऊपर डिबेट नहीं होती। यूट्यूब के ऊपर चले आप फिर भी देख सकते हैं कि लोगों डिफरेंट व्यूज होते हैं, उनकी डिबेट्स होती हैं। यू कैन मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इन योर आर्गुमेंट। आप चला रहे हैं वो चीज असल दे रहे हैं, जो सच है वो बयान कर रहे हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो असल बात तो आप बता ही नहीं रहे, तो जो असल बात बता रहे हैं असल बात के ऊपर, सच के ऊपर आप कितनी कदगन लगाएंगे? सच तो सच। सख्त फैसला लेना पड़ा कि मैं ये चैनल जो है वो मजीद आगे नहीं चला सकती, ये चैनल मुझे यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा, इस कंटेंट को मजीद आगे मैं नहीं चला पाऊंगी। अभी कुछ दिनों से, 2 से 3 दिन हो गए मुझे वीडियोस नहीं मैंने अपलोड की, कंटेंट नहीं बनाया। लेकिन टिकटॉक में 30 सेकंड की 60 सेकंड की क्लिप होता है, आपको याद होगा आपसे कुछ मेरे ख्याल 2-3 महीने पहले उसामा बिन लादेन का लेटर वायरल हुआ था, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पागल हो गए, उन्होंने कहा देखो हमें तो पता ही नहीं था उसामा बिन लादेन तो हीरो है। यानी आप इमेजिन करें कि एक ऐसा प्रोपेगेंडा आपके मुल्क के अंदर चलाया जाए जिसमें इंडिया के लोग ये कहने लग जाएं कि हाफिज सईद हमारा हीरो है, देखें जी वो बात तो सही कर रहा था, इतना आप अपनी यंग जनरेशन को पागल कर दें। तो यही वजह है कि इंडिया ने टिकटॉक को बहुत पहले बैन कर दिया। अब एक्स को उसके साथ कंपेयर करना, नो वो सही नहीं है, क्योंकि एक्स के ऊपर दोनों तरफ के लोगों की बातें की जाती है, टिकटॉक के ऊपर जिस तरह की बातें और बॉट्स को आम किया जाता है अमेरिकन ऑडियंस में, ऑस्ट्रेलियन वेस्टर्न ऑडियंस में, इन जनरल कंस्पिरेसी थ्योरीज को इस तरह फैलाया जाता है, एक्स के ऊपर भी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती है, लेकिन एक्स के ऊपर जो फ्री स्पीच का लेवल है वो बहुत ही ऊपर चला। सारे मुल्कों में ना आपका मीडिया कंट्रोल ही होता है। अच्छा, एक या दो चैनल ऐसे होंगे जो आपके खुल के बात करने वाले होंगे, अदरवाइज तो आपका जितने भी चैनल हैं वो हुकूमत की सरपरस्ती में काम करते हैं। काम नहीं किया इस चीज पे, सिर्फ डिप्रेशन था कि क्या करूं, समझ नहीं आ रही थी, इस पे बहुत ज्यादा सोचा। फैमिली जो कि मुझे जानती है और इस काम को मेरे सपोर्ट भी करती है, लेकिन उनसे मैंने बात की, उन्होंने भी मुझ पे छोड़ दिया कि जो तुम्हारा फैसला होगा, तुम्हें जो पसंद हो। टू मच इवन फॉर माय लाइकिंग कि एलेक्स जोन्स वगैरह को, एंड्रू टेट जैसे लोगों को इस तरह की जो दो नंबर कंस्पिरेसी थ्योरियां हैं वो फैलाने का उनको मौका मिलता, जिसकी वजह से उससे भी बड़ा डैमेज होता। लेकिन ये वो बिटर पिल है जो आपको सॉल्व करनी पड़ती है कि आप कहते हैं यार, क्योंकि अगर हम ये ले लेंगे, इनसे छीन लेंगे, तो इसका जो रिजल्ट है वो ज्यादा बुरा होगा। लेकिन टिकटॉक का वो कंपैरिजन नहीं, जो अमेरिका के या वेस्ट के जो स्टैंडर्ड्स हैं फ्री स्पीच के वो डिफरेंट है एज अपोज टू पाकिस्तान। ऐसा करने से पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट हो सकती है, पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है, या पाकिस्तान में अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जाएगा तो उसे पाकिस्तान का फायदा होगा या नुकसान? फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की मुजम्मिल से, उन्होंने भी मुझे यही कहा जो तुम्हारा फैसला है, जो तुम्हें अच्छा लगता है। बट मेरे बहुत सोचने के बाद मुझे ये तल्ख और बहुत सख्त फैसला लेना पड़ा कि मैं ये चैनल जो है वो मजीद आगे नहीं चला सकती। इनको तकलीफ क्या है? क्या तकलीफ है? यही तकलीफ है कि हमारी जो गलतियां हैं, हमारी जो मिस्टेक्स हैं, हमारे जो जुल्म हैं, हमारी जो नाइंसाफी हैं, जो हम पब्लिक के साथ कर रहे हैं, बीइंग ए गवर्नमेंट कर रहे हैं, तो ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? कंट्रोल करने ही बेहतर है, क्योंकि जब बार बार निकल जाएगी तो फिर दूर तक जाती है। ये मेन जो स्ट्रीम मीडिया है, प्राइवेट जितने चैनल्स हैं, ये कोई ना कोई सोशल मीडिया से खबर लेके, टिकटॉक से लेके, फलां से लेके, एक आध जो सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव नजर आता है, जो उनको लगता है कि चलो सोशल मीडिया पे है तो हम भी इसको चला के रेटिंग ले लें। ये ऐसी चीज है, ये तो फॉर एवर है, इसकी तो अभी
पता नहीं क्या क्या शक्लें इन डिवाइसेस की आने वाली हैं, तो फिर उनको भी रोकोगे? इस टेक्नोलॉजी को बाय फोर्स आप नहीं रोक सकते। आपके पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि एडवांस आप उसकी एप्लीकेशन करें और पाकिस्तान में ये कह देना कि भाई हमने ट्विटर को बैन कर दिया। ट्विटर में जो पाकिस्तान के ऊपर जो बात होती है वो बहुत सारी बातें सच्ची होती है, वो झूठी नहीं होती। किस तरह के इलेक्शन हुए सबको पता, जो हमारे कुछ ताकतवर हल्के हैं वो अपनी ताकत को किस तरह नाजायज इस्तेमाल करते हैं सबको पता। अब उसके ऊपर बात करने का अगर मौका मिलता है तो ट्विटर पे मिलता है। अच्छा, मजे की बात है टिकटॉक में भी प्रोपेगेंडा होता है जो हमारे ताकतवर हल्के हैं उनके खिलाफ, लेकिन टिकटॉक है किसका? जिस तरह ये अब एक्स को आंखें दिखा रहे हैं उस तरह के टिकटॉक को तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि टिकटॉक जो है वो तो चाइनीज गवर्नमेंट का एक टूल है और इंडिया ने बड़ा अच्छा किया उसको फुड़का।